हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर सिस्टर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखो, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होने वाला है। ये जस्ट एक प्रोडक्ट के साथ मेरा पर्सनल रिव्यू क्या था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखो, जब भी एक बच्चा अपने टीनेज में पहुँचता है या फिर अपनी प्यूबर्टी के एज में पहुंचता है, तो उस समय से उसके फेस पे बहुत सारे छोटे छोटे पिंपल्स होने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेन रीज़न बता देता हूं कि पिंपल होने के पीछे का रीज़न क्या होता है। हमारे फेस में छोटे 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 सीबेसियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और उन सीबेसियस ग्लैंड का काम होता है कि वो सीबम प्रोड्यूस करें, और वो सीबम का काम होता है वो हमारे फेस को ऑयली रखता है, हमारा फेस ज़्यादा ड्राई ना हो जाए उसका वो ध्यान रखता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब एक बच्चा अपने टीनेज में पहुंचता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इन्हीं हार्मोनल चेंजेस के वजह से वो सीबेसियस ग्लैंड जरूरत से ज़्यादा सीबम को सिक्रेट करने लगता है, और इससे क्या होता है कि वो हमारे स्किन में आने लगते हैं, और तभी हमारे स्किन जो है वो ऑयली हो जाता है। अब होता क्या है कि हमारे स्किन में जब ऑयली हो जाता है तो हमारे जो पोर्स होते हैं, स्किन के छोटे छोटे छेद होते हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं, और ऐसा होने से क्या होता है कि नीचे से सीबम प्रोड्यूस होता रहता है, ऊपर से वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से नीचे बैक्टीरियाज कलेक्ट हो जाते हैं, और उन बैक्टीरियाज के वजह से वो टिश्यू वहाँ से फूलने लगता है और वहाँ से जन्म होता है पिंपल का। ठीक है, अब होता क्या, ध्यान से समझो, जैसे वो पिंपल बड़ा होता है हम उसको फोड़ देते हैं। ठीक है, अब फोड़ने से क्या हुआ कि एक तो फेस पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, दूसरा हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो जब दोनों टच होते हैं तो वो सारे बैक्टीरियाज जो है ना वो एंटर कर जाते हैं हमारे पिंपल्स के अंदर, और उससे निकलने वाला जो जूस होता है वो चारों ओर जब लग जाता है तो वहाँ भी बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं। तो ये एक्नीज एंड पिंपल्स जो होते हैं उनको कभी आपको फोड़ना नहीं है, आपको टच भी नहीं करना है अपने हाथों से, जितना हो सके उनसे अपने हाथों को, इन गंदे हाथों को दूर रखो। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको तीन ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ जो हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होने वाला है, हर एक स्किन टाइप के लिए सुटेबल होने वाला है। अभी तक मैंने जिन भी बच्चों को दे रखा है, मेरे पर्सनल बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये रेफ़र किया है और उनको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका बेनिफिट लो। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो मैं वो तीन प्रोडक्ट आपके सामने रखता हूँ। ये इस प्रोडक्ट का नाम है, इस कंपनी का नाम है जोविस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना अलग अलग टाइप के फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो आप देख लो आपको कौन सा सूटेबल है। अगर कोई फेस वॉश सूट ना करे तब आप ये जोविस का फेस वॉश यूज़ करो। ठीक है, तो ये फेस वॉश पिछले 2 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ। ये आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे फेस की क्या स्थिति हुई पड़ी थी, यहाँ भी देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो। तो बहुत बुरे तरीके से मेरे फेस पे पूरा वो इफेक्ट हो चुका था, मैंने डॉक्टर ट्रीटमेंट भी लिया हुआ था लेकिन वो ट्रीटमेंट भी मेरा काम नहीं किया, बहुत सारे मेडिसिन भी मैंने यूज़ किए थे, डॉक्टर से रिकमेंडेड जो थे फिर भी वो मेरा काम नहीं किया, इससे वो पिंपल्स मेरे और ज़्यादा बढ़ गए, और तब जाके मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया, और तब से आज तक मैं इसी फेस वॉश का यूज़ करता हूँ। इसमें ये पैराबिन फ्री है और ऑल स्किन टाइप के लिए है, इसका नाम है जोविस नीम फेस वॉश। ठीक है, पहला प्रोडक्ट आपका ये है। ठीक है, इससे आपको फेस वॉश करना है सुबह शाम या फिर सुबह या रात को सोने से पहले, ध्यान रखना कि रात को सोने से पहले फेस वॉश जरूर करके सोना, भले सुबह ना करो। सेकेंड थिंग आता है हमारा एंटी एक्नी क्रीम, जो भी इसका ही है एंटी एक्नी क्रीम। ये क्रीम को आपको कैसे यूज़ करना है, जब आप रात में सोते हो ना तो सोने से पहले जब भी आपको कोई पिंपल नज़र आता है बस ये थोड़ा सा क्रीम लो और पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पिंपल आपको नज़र आता है वहाँ पे अप्लाई करके छोड़ दो, 1 से 2 दिन के अंदर आपका वो पिंपल ख़त्म। लिटरली ऐसा हुआ है मेरे साथ, आज भी होता है। ठीक है, अभी भी मेरे दिख रहा होगा ये पिंपल यहाँ पे है ना, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ और ये चला जाएगा। तो जब भी पिंपल्स बीच बीच में आते रहते हैं मैं इसका यूज़ करते रहता हूँ, और पहले से काफ़ी हद तक मुझे अपने स्किन टोन में दिखा हुआ है फ़र्क। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इट इज़, ये तो ख़त्म होने वाला है मेरा, इट इज़ एंटीसेप्टिक एंटी एक्नी फेस पैक। ये भी जोविस का है, इसको आप ध्यान रखना, एंटी एक्नी फेस पैक। इसमें क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टी ट्री एंड क्लोव का यूज़ किया गया है फॉर ऑयली सेंसिटिव एंड एक्नी प्रोन स्किन। तो जिनके स्किन में बहुत ज़्यादा एक्नीज होती है उनको ये फेस पैक यूज़ करना है वीक में 1 बार। ठीक है, मिनिमम 1 बार कर सकते हो, मैक्सिमम 2 बार कर सकते हो। करना क्या है इसको, आपको फेस पैक लगाते हो ना तो इसमें मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब मिक्स है, आप इसके इन्ग्रीडियंट्स को देख सकते हो, तो आपको फेस पैक लगा के छोड़ देना है और उसके बाद फिर उसको नॉर्मल वॉश कर लेना, लेकिन अगर हो सके तो उससे पहले इससे फेस वॉश कर लेना उसके बाद करना। ठीक है, एक और था जो भी इसका नीम
टोनर, सॉरी 24 का नीम टोनर, तो वो टोनर मेरे पास नहीं है क्योंकि वो टोनर मैं तब यूज़ करता था जब बहुत एक्सेस अमाउंट में मेरे को एक्नी हो गई थी, अभी उसकी ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है। तो ये तीनों का जो यूज़ है ना कॉम्बिनेशन, अगर आप यूज़ करते रहोगे तो आपको एक्नीज होंगी नहीं, और अगर होंगी भी तो बहुत जल्दी वो चली जाने वाली है। तो मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोगों के सामने दूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। पिछले 2 सालों से मैं इसी प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई दूसरा फेस पैक नहीं लगाता, इसके अलावा मैं कोई दूसरा फेस वॉश यूज़ नहीं करता, और कोई भी मैं दूसरा क्रीम यूज़ करता ही नहीं। ठीक है, ये होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आप इसको एक बार यूज़ करो। अगर आपके स्किन में बहुत एक्नीज आ रही हैं तो आप इसको, मेरे तरफ से मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, जाओ और एक बार यूज़ करो। 500 के अंदर या 600 के अंदर आपको ये तीनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा अगर एक्नी हो रही है तब आप नीम टोनर ले सकते हो। ठीक है, नीम टोनर लगाने का भी तरीका क्या मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप धूप में निकलते हो, धूप में निकलने से पहले वो टोनर से फेस वॉश करके एक बार मार लेना, उसके बाद फिर चले जाओ, फिर घर आओ तो एक बार वॉश कर लेना, बस यही होता है। ठीक है, सो ऐसे ही बहुत सारी टिप्स एंड वीडियोस जो है इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, तो इसको ज़रूर वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लेना। अलग अलग टाइप की वीडियोस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आपके ग्रोथ के लिए, और आपको कैसी वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता अगले वन में, तब तक एवरीवन टेक केयर एंड बी सेफ़।